हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक वीडियो आज की डेट में आ चुकी है, इसे देख लीजिएगा। ब्रेकआउट स्टॉक है। ब्रेकआउट स्टॉक क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको एक महीने के अंदर अंदर, बल्कि 10 से 15 दिन के अंदर अंदर ही 20 से 30% के रिटर्न मिल सकते हैं। क्यों मिल सकते हैं, कौन सा स्टॉक है, बिरला सॉफ्ट है, जाके देख लीजिए। इसके अलावा आज के दिन में वीडियो में बात करने वाले एक स्टॉक से रिलेटेड, जो कि बहुत बेहतरीन स्टॉक से यहाँ पर नजर आता है। और यहाँ पर से आपने बड़े बड़े ब्रांड का नाम भी सुना होगा। ओके, वो जो टॉमी हिलफिगर का नाम हो गया, कैल्विन का नाम हो गया, ये सारे के सारे ब्रांड्स जो कपड़ों के होते हैं, टेक्सटाइल्स के होते हैं, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स कौन बनाता है, यही पर्टिकुलर कंपनी बनाती है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। अभी आपने देखा ही है टेक्सटाइल में किस तरीके से शेयर भागते हुए नजर आया, कुछ एग्जाम्पल भी दूंगा। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे। बैंक सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि इस तरीके की वीडियो डेली बेसिस में मिलती रहे। और अगर आपको हमारे सर्विसेज चाहिए तो ये कांटेक्ट नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ओवर फोन और या फिर व्हाट्सएप पे हम यहाँ पर आपसे बात कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो इन वीडियो को जाके देख लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सपोर्ट जरूर करिएगा, जाके शेयर करिए। तो आइए वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर कुछ पैरामीटर अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पर स्प्लिट 2005 में एक स्प्लिट हुआ था, 10 रुपए के फेस वैल्यू 5 हो गया था इस शेयर का। 3 बार कंपनी बोनस 1994, 1999, 2005 में, मतलब कंपनी एक पूरा बहुत पुरानी कंपनी यहाँ पर नजर आती है। तो इसके अलावा डिविडेंड की बात करें, कंपनी का डिविडेंड देख लीजिए, डिविडेंड स्ट्रक्चर 2.5 रुपए, 1.5 रुपए, 3.5 रुपए और के 2021 में यहाँ पर 50-50 पैसे का डिविडेंड दिया है। डिविडेंड का कम होना अच्छा नहीं माना जाता, बट स्टिल कंपनी यहाँ पर डिविडेंड दे रही है, ये एक अच्छी चीज होती है। अब आइए वीडियो की तरफ और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आपको पता चलेगी, देखिए कंपनी में 68% की डिलीवरी आज के दिन में उठाई गई है। 306 रुपए का यहाँ पर ऑल टाइम हाई 7 अक्टूबर को लगाया था, उससे पहले, उसके बाद। अभी ये शेयर की बात करें तो लगभग कितने रुपए में, 229 रुपए, 226 रुपए, 25 रुपए पे यहाँ ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर कुछ और पैरामीटर की बात करें तो कंपनी यहाँ पर देख ही सकते हैं, तो जितने भी शेयर प्रमोटर्स के पास है, कोई शेयर यहाँ पर गिर भी नहीं है। कुछ और पैरामीटर की बात करें तो कंपनी यहाँ पर काफी बेहतरीन यहाँ पर नजर आती है। यहाँ पर अगर मैं पहले इसके ब्रांड की और नाम की बात करूँ, तो कंपनी का नाम है हिम्मत सिंह का। अगर हम यहाँ पर इस कंपनी में जाए तो देखिए, ओवर 3 डिकेड्स ऑफ क्रिएटिंग वैल्यू डिलीवरी डिस्टिंक्शन। तो कंपनी पिछले 30 साल से यहाँ पर कंपनी काम करती हुई नजर आती है। वर्ल्ड क्लास एसेट विद ग्लोबल स्केल, कंपनी यहाँ पर एक्सपोर्ट करने में बहुत ज्यादा बिलीव करती है। कंपनी यहाँ पर अलग अलग ब्रांड के लिए यहाँ पर प्रोडक्ट्स बनाती है। देखिए, यार्न एंड फाइबर से रिलेटेड ये प्रोडक्ट्स, आपकी जो यहाँ पर बेड शीट से लेके यहाँ पर सब चीज ये प्रोडक्ट्स बनाते हुए नजर आते हैं। टावल ये प्रोडक्ट्स बनाते हुए नजर कंपनी बनाती हुई नजर आती है। अपॉस्ट्री की बात करें, ये कंपनी बनाती हुई नजर आती है। यान ये कंपनी बनाती है। तो ये सारी की सारी, इसके अलावा ब्रांड्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए कैल्विन क्लेन, ओके, इसके अलावा टॉमी हिल्फिगर, कैट स्पेड न्यूयॉर्क, पिक्सर, डिज्नी, ओके, डिज्नी के यहाँ पर कपड़े बनाते हुए बारबरा, बैरी, मार्वल्स, स्टार वॉर्स, ओके, पिमाकॉट, होम ग्राउंड, गीजा कॉट, ऑर्गेनिक, वेवरी, रॉयल वेलवेट, एज वेल एज यहाँ पर बिफोरा, यहाँ पर ये कंपनी, इन सभी हेमिया, ये सारे के सारे ये कंपनी के प्रोडक्ट्स कौन बनाते हुए नजर आते हैं, यही एक कंपनी है सिंह का, हिम्मत सिंह का। तो इसकी तरफ ध्यान दीजिए, काफी बेहतरीन कंपनी यहाँ पर नजर आती है, छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ग्लोबल ब्रांड है। ओके, यहाँ पर देख लीजिए, सारे के सारे बड़े बड़े यहाँ पर कंपनी के साथ यहाँ पर टाई अप्स कर दिए हैं, उनके ब्रांड से रिलेटेड कपड़े यही कंपनी बनाती हुई नजर आती है। टावल से लेके जितने भी यहाँ पर फाइबर से आगे ये बात करें, अपॉस्ट्री, ये सारे के सारे ये कंपनी ही बनाती हुई नजर आती है। तो ये कंपनी काफी ब्रांड वैल्यूएबल है। कैल्विन क्लेन, टॉमी हिल्फिगर तो आप यहाँ से जानते ही जानते हैं, एज वेल एज यहाँ पर डिज्नी, स्टार वॉर, मार्वल्स, आप इनकी मूवीज भी देखते थे यहाँ पर से जानते हैं, रॉयल वेलवेट वगैरह को भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो यहाँ पर इन ये कपड़े बड़े बड़े लोग यहाँ पर पहनते हुए नजर आते हैं। तो इस कंपनी की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं, कपड़े महंगे होते हैं इनके। इसके अलावा यहाँ पर कुछ पैरामीटर की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं, कंपनी में हिम्मत सिंह का सी लिमिटेड इज अ वर्टिकल इंटीग्रेटेड ग्लोबल टेक्सटाइल मेजर दैट डिजाइन, डेवलप्स, मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूट्स द सूट्स ऑफ होम टेक्सटाइल से रिलेटेड कपड़े। इट हैज इंस्टॉल कैपेसिटी फॉर मैन्युफैक्चरिंग बेडिंग एंड बेद प्रोडक्ट्स।
drapery and upholstery fabrics and fine cotton cotton yarn which are among the largest in the world. तो यहाँ पर largest in the world तो ये in particular चीजों में यहाँ पर आते हैं. इसके अलावा बात करें home textile over 12 ग्लोबल ब्रांड्स, मतलब दुनिया के यहाँ पर 12 ब्रांड्स में कंपनी ये प्रोडक्ट्स को बनाती हुई नजर आती है. 12 ब्रांड्स के लाइसेंस एंड ओन्ड, ओके, इट हैज ओन ओन्स एक्सक्लूसिव लाइसेंस राइट ऑफ ग्लोबल आइकन ब्रांड लाइक कैल्विन क्लैन, टॉमी हिल्फिगर, केट स्पेड, रॉयल वेलवेट, बारबरा बेरी एंड वेवरली. तो ये सारे के सारे कंपनी यहाँ पर ब्रांड है, काफी बढ़िया ब्रांड है. यहाँ पर डिज्नी, मार्वल, पिक्सर, इनसे इन्होंने यहाँ पर टाई अप्स भी कर रखे हैं. टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स इंस्पायर्ड बाय आर्ची मैन कैरेक्टर फ्रॉम इट्स और इट्स फ्रेंचाइजी इंक्लूडिंग डिज्नी मार्वल, यहाँ से इनकी फ्रेंचाइजी ले रखी है. और यहाँ पर ये सारे इनके डिज्नी के यहाँ पर मार्वल्स पिक्सर इनके जो पिक्स लगी होती है, इनके जो पिक्चर लगी होती है, उनके जो कपड़े बच्चों को जो काफी पसंद आते हैं, ये सारे के सारे यही बनाते हुए नजर आते हैं. नॉर्थ अमेरिका में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इनकी. अगर बात करें विच अकाउंट्स ऑलमोस्ट 92.5% और टोटल रेवेन्यू का, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका से आता है और रेस्ट वर्ल्ड से 7.5% का. जहाँ पर इनकी अगर बात करें यूरोप, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, इंडिया एंड पैसिफिक कंट्रीज में ही है. तो जिससे मैं जैसे कि मैं बात कर रहा था, ब्रांड के नाम से बिकते हैं और ज्यादातर इनके जो ब्रांड है नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पर फेमस है. मार्केट कैप की बात करें स्मॉल कैप कंपनी 2279 करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैप है. पीई की बात करें 12 के पीई पे आरओसी आरओई कुछ खास नहीं है. डेट की बात करें डेट भी ज्यादा है. प्लेजिंग की बात करें यहाँ पर कोई शेयर यहाँ पर प्लेज नहीं है. और जब यहाँ पर सेक्टर चल रहा है पूरा का पूरा, ओके, बेशक से यहाँ पर डेट ज्यादा है, ओके, आरओई यहाँ पर नेगेटिव है, बट स्टिल कंपनी यहाँ पर वैल्यूएबल नजर आती है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पर ब्रांड है और ब्रांड यहाँ पर पसंद किया जाता है लोगों के थ्रू. यहाँ पर बात करें कंपनी यहाँ पर पहले टॉप पे चल रही थी, यहाँ पर गिरती हुई नजर आई पैंडमिक की वजह से और यहाँ पर गिरी रही थी 1 से 2-3 साल. इसके बाद यहाँ पर देखिए अच्छी खासी रिकवरी, दोबारा यहाँ पर शेयर यहाँ पर रिट्रेस यहाँ पर नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है. इसके अलावा यहाँ पर कुछ और पर्टिकुलर कंपनी से यहाँ पर इसकी कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि काफी सस्ते में ये शेयर अभी आपको यहाँ पर उपलब्ध हो रहा है. मार्केट कैप की बात करें स्मॉल कैप कंपनी है और पीई की बात करें बहुत यहाँ पर कम पीई है, ओके, तो और यहाँ पर आरओसी की बात करें आरओसी भी कम ही इसका नजर आता है. इसके अलावा यहाँ पर रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर देखिए सेल्स तो इनकी कंपनी की अच्छी खासी होती हुई दिखाई दे रही है. यहाँ देखेंगे 813 करोड़ रुपए की सेल्स है, बट एक्सपेंस यहाँ पर कंपनी के थोड़े से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं. इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें तो कंपनी का इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ रहा है क्योंकि इनके पास कर्ज ज्यादा है, जैसे कि हमने ऊपर देखा ही है, डेट ज्यादा है. ज्यादा डेट होने की वजह से यहाँ पर देखिए 50 करोड़, 40 करोड़, 47 करोड़, 42 करोड़, 43 करोड़, इतना तो यहाँ पर इन्हें क्या देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट. और ये इंटरेस्ट अगर नहीं देना पड़े तो कंपनी का ये प्रॉफिट है ना और ज्यादा यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे. बट एटलीस्ट कंपनी स्टिल यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर रिटर्न रिजल्ट पेश कर रही है. नेट प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. ईयरली बेसिस पे बात करें तो जहाँ 4 करोड़ का प्रॉफिट था वहाँ 48 करोड़ का प्रॉफिट है. ईयरली बेसिस पे यहाँ पर हमेशा कंपेरिजन करना चाहिए तो ईयरली बेसिस पे कंपनी का यहाँ पर परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन है. ये और यहाँ पर स्टैंड अलोन नंबर भी देखिए तब भी 20 से 52 करोड़ रुपए यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है. तो कंपनी का यहाँ पर बात करें सब कुछ अच्छा खासा नजर आता है और यहाँ पर कंसिस्टेंट ग्रोथ भी नजर आती है. यहाँ पर सेल्स में प्रॉफिट देखें यहाँ पर कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है. पिछले 12 महीने में 188 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट भी है. कंपनी धीरे धीरे अपने ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है और एक बार दोबारा अच्छी खासी दोबारा रिजल्ट पेश कर दिया कंपनी ने तो यहाँ पर और अच्छे खासे यहाँ पर शेयर प्राइस भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है. रिजर्व्स की बात करें रिजर्व्स कंपनी के अच्छे खासे बढ़ रहे हैं बट यहाँ पर बोरोइंग भी साथ साथ बढ़ती हुई नजर आ रही है कि 2802 करोड़ रुपए की बोरोइंग है और 77 करोड़ रुपए वर्किंग प्रोग्रेस में. जब 77 करोड़ यहाँ पर एड होंगे तो ऑब्वियस सी बात है इनकी नेट प्रॉफिट वगैरह सब फिर बढ़ता हुआ नजर आएगा. इन्वेस्टमेंट कुछ खास नहीं है, 11 करोड़ रुपए का है. कैश की बात करें तो 140 करोड़ रुपए का है जो भी पैसा आता है बुक में दिखाई देता है. इसके अलावा यहाँ पर आरओसी आरओई कुछ खास नहीं है, 4% की है. प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें 47.57 यहाँ पर एज इट इज पिछले 12 क्वार्टर में बनी हुई है, कोई भी यहाँ पर चेंजेस नहीं हुए. एफआईज की बात करें एफआईज ने यहाँ पर देखिए हिस्सेदारी अपनी घटाते हुए नजर आए थे, लगातार यहाँ पर घटाते हुए नजर आए थे, बट इस क्वार्टर में आप देखें तो यहाँ पर देखिए पिछले 4 क्वार्टर से यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई 2.93 से 3.16, 16 से 3.46, 46 से यहाँ पर 4.15. तो एफआईज यहाँ पर हिस्सेदारी लगातार बढ़ा रहे हैं. डीआईएस की बात करें डीआईएस की हिस्सेदारी यहाँ पर कम होती हुई नजर आ रही है. डीआईएस बेच रहे हैं, एफआईज खरीद रहे हैं. और यहाँ पर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक यहाँ पर देखिए पब्लिक की हिस्सेदारी बढ़ती हुई नजर आ रही है. और यहाँ पर देखेंगे कुछ और पॉइंट्स तो यहाँ पर देखिए 36.36 में से यहाँ पर लगभग 6-7% की हिस्सेदारी यहाँ पर आप निकाल देते, लगभग 30% की हिस्सेदारी फिर भी पब्लिक के पास
यहाँ पर नजर आती है। अब यहाँ पर ये स्टॉक्स किससे रिलेटेड है, यहाँ पर ये स्टॉक्स है टेक्सटाइल से रिलेटेड। तो टेक्सटाइल के आप मोस्टली स्टॉक्स देखेंगे, कोई भी स्टॉक्स यहाँ पर छोटे से लेके बड़ा स्टॉक्स यहाँ पर देख लीजिए। ओके, यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव फैक्टर है, जस्ट बिकॉज यहाँ पर अगर हम देखें तो ये शेयर के रिजल्ट अच्छे आए हैं, इस वजह से ये भागते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा लक्स इंडस्ट्रीज की बात करें, लक्स इंडस्ट्री में मैंने आपको ये शेयर काफी जब नीचे था यहाँ पर बताया था, 20% के रिटर्न हमें इजिली मिल चुके हैं विद इन अ मंथ इसके। और हिम्मत सिंह की बात करूँ तो हिम्मत सिंह का हमने यहाँ पर वीडियोज भी बनाया था। हिम्मत सिंह का अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा भी दू तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर इससे रिलेटेड भी हमने यहाँ पर बातें करी है। देखिए 10 दिन पहले तो नहीं, यहाँ पर हिम्मत सिंह का, एक मिनट रुकिए, हिम्मत एक बार नाम चेक कर लेते हैं, सॉरी हिम्मत सिंह का, तो इससे पहले भी यहाँ पर इससे रिलेटेड यहाँ पर हमने वीडियोस बनाई थी। लगभग 15 अगस्त को यहाँ पर हमने वीडियो बनाई थी, मैंने अभी चेक किया था, कोई नहीं यहाँ पर आ नहीं रहा है, कोई परेशानी नहीं है। तो 15 अगस्त को हमने यहाँ पर हिम्मत सिंह का यहाँ पर वीडियो बनाई थी सीट से रिलेटेड। तो यहाँ पर देखिए 15 अगस्त को जब हमने यहाँ पर वीडियो बनाई थी उस टाइम इसका शेयर प्राइस कितना चल रहा था, उस टाइम इसका शेयर प्राइस चल रहा था लगभग लगभग यहाँ पर आप देख सकते हैं 13 तारीख को, तो लगभग यहाँ पर 265 के आसपास चल रहा था, 265 से थोड़े से नीचे आया, फिर उसके बाद इसने एक अच्छी खासी रैली और लगभग 15% के रिटर्न यहाँ पर देखेंगे तो 15% के रिटर्न अगर हम यहाँ पर 13 से अगर हम देख लेते हैं तो 15% के रिटर्न हमारे यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी तरीके के रिटर्न शॉर्ट टर्म में अगर आपको मिल जाते हैं 15 से लेके अगर 7-8 अक्टूबर भी देखते हैं तो कितना 2 महीने के अंदर अंदर 15% रिटर्न मिल गया। उसके बाद शेयर देखिए लगातार यहाँ पर नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है और एक बेहतरीन सपोर्ट इन द सेंस व्हाट, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो कंपनी ने अभी कल के दिन भी यहाँ पर सपोर्ट लिया, आज के दिन भी दोबारा यहीं पर ही सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है। थोड़ा सा दोबारा बात करूं तो यहाँ पर थोड़ा सा शेयर रिट्रेस भी हो सकता है, ओके 220 रुपए तक यहाँ पर नीचे गिर सकता है, तो इसके लिए भी तैयार रहेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर शेयर यहाँ पर रिट्रेस हो सकता है, मतलब गिर सकता है थोड़ा सा, तो इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। बाकी यहाँ पर 32 का RSI चल रहा है और यहाँ पर रिटर्न की बात करें तो मुझे यहाँ से ये शेयर काफी पसंद आ रहा है, ओके। और यहाँ पर से कभी भी एक अच्छी खासी रैली आ सकती है और जब रैली आएगी तो आपको 35% के रिटर्न यहाँ पर इजिली मिलते हुए नजर आएंगे। बस एक और रिजल्ट अच्छा आया तो शेयर यहाँ पर भागता हुआ नजर आएगा। यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर फेवरेबल मुझे लगता है, मैंने आज यहाँ पर बाइंग करी है शेयर में, तो इसलिए आप अपने हिसाब से यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर चीजें अच्छी लगती है तो यहाँ पर आपको बताया जाता है, वॉल्यूम यहाँ पर कुछ खास नहीं है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ पर FIs ने होल्डिंग बढ़ाई है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जब पैसा दोबारा आना शुरू होगा यहाँ पर होल्डिंग बढ़ती हुई नजर आएगी तो यहाँ पर शेयर प्राइस भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके यहाँ पर कुछ भी लीजिएगा, मुझे यहाँ पर चीजें अच्छी लग रही थी तो मैंने यहाँ पर शेयर उठाया। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर यहाँ पर चेक करके सब कुछ देखिएगा, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है और कंपनी यहाँ पर ब्रांड्स में काम करती है तो इस चीज को भी यहाँ पर देखिएगा। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, जितना हो सके सपोर्ट करिएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।